जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं इजराइल की। इतना छोटा सा देश दुनिया की महान शक्ति बनकर कैसे उभरा। यहाँ अधिकतर यहूदी लोग पाए जाते हैं और इसकी स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी और यहाँ के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और यहाँ की टोटल आबादी करीबन 90 लाख है, मतलब कि जितना हमारा कुंभ का मेला है उतने तो 2-3 इजराइल इसमें समाया है। लेकिन इन्होंने इसी अपनी कमजोरी को अपनी पावर बना ली। इजराइल की ना उसके लोगों के प्रति, देश के प्रति निष्ठा बहुत है, क्योंकि अगर ये जानते हैं कि अगर हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये हमको शत्रु आगे कुचल कर निकल जाएगा, क्योंकि उसके इजराइल के बॉर्डर के चारों ओर उसके शत्रु आसपास रहते हैं। और यहूदियों पर जुल्म भी बहुत हुआ। इतिहास में देखा जाए तो हिटलर ने कई यहूदियों को गैस चैम्बर में जलाकर मार दिया था। जब से ये यहाँ से आए थे तो इनको रहने तक के लिए जगह नहीं थी। इन्होंने धीरे धीरे फोकस किया और आगे बढ़ते गए और अपनी सबसे ज़्यादा फोकस अपने कंट्री में शिक्षा पर किया, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर शिक्षा पर हम फोकस करेंगे तभी हम अपने देश को विकसित बना पाएंगे। और इनकी 90 लाख आबादी में से करीबन 35-40 लाख लोग तो आर्मी में हैं। यहाँ हर आदमी को आर्मी की ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। अगर वो मेल है तो उसको 3 साल की, फीमेल है तो उसको 2 साल की। और ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत आगे है। दुनिया को टेक्नोलॉजी में बदलने का काम इजराइल ही करता है। जब हम बड़े बड़े फ़ोन यूज करते थे ईंट की तरह, तो इजराइल ने ही उसको छोटे साइज में आकार दिया। इजराइल ने दुनिया की टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है, तभी तो इनसे दुनिया का कोई भी शत्रु आँख मिलाकर भी नहीं देख सकता, क्योंकि इनके पास इतनी आर्मी है ना, इसको 6 दिन में ही, क्या 1 दिन में ही ख़त्म कर देंगे। और 6 दिन में मैंने बात इसलिए की क्योंकि इसने 6 दिन में ही अकेले 6 देशों को हरा दिया था। इजराइल ने इनोवेशन के क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं, क्योंकि हाँ हर 5,000 आदमी में से इनका 60% लोग इनोवेशन का क्षेत्र अपनाए हुए हैं। इनोवेशन के क्षेत्र में इसलिए आगे हैं क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है, आसानी से लोन मुहैया करा देते हैं और उस लोन का ये पैसा भी नहीं लेते हैं अगर आइडिया फेल हो गया। अगर सफल हो गया तो उसका ब्याज ले लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ लोन का पैसा भी देना पड़ता है और उसका ब्याज भी देना पड़ता है, सफल हों या विफल हों। इसलिए आदमी डर डर कर खेलता है और उस डर डर कर जब खेलेगा तो वो फेल ही होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ खुल के खेलो। अगर तुम पास हुए तो तुम्हारा इंटरेस्ट ले लेंगे, अगर तुम फेल हुए तो कोई बात नहीं। इसलिए लोग यहाँ जल्दी से सफल हो जाते हैं और अपना इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी दुनिया में तरक्की करके नाम भी कमा रहे हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका ऑफिस इजराइल में ना हो, क्योंकि इन्वेस्टर को यहाँ की सरकार और इसकी मैन पावर दोनों पे भरोसा है। और यहाँ बेरोजगारी का रेशियो 2% से भी कम है, मतलब यहाँ 98% तक लोग रोजगार हैं। और यह दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश है। इजराइल में कोई भी ऐसा देश इसलिए इससे नहीं लड़ता क्योंकि अगर इसके एक नागरिक को मारोगे तो तुम्हारे घर में घुसकर 10 को मार के आएंगे और जो फाड़ना हो फाड़ लो। इसलिए इसको दुनिया की सबसे सेफ कंट्री में से माना जाता है। और इसकी सबसे खतरनाक और खूबी एजेंसी मोसाद है। तो आई होप कि मैंने इजराइल के जितने भी बेसिक फैक्ट थे शॉर्ट फॉर्म में आपको क्लियर कर दिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।